आज हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। एंड इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने जाएंगे स्टोइचोमेट्री के बारे में। एक्चुअली ये स्टोइचोमेट्री होता क्या है? स्टोइचोमेट्री एक ग्रीक वर्ड स्टोइचोन से निकला है और ये डील करता है विद द स्टडी ऑफ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक्चुअली ये हमें बताता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मासेस में कोई डिफरेंस है या नहीं, उसमें इंक्रीजमेंट हुई है या डिक्रीजमेंट हुई है। वट एवर द रिलेशनशिप इज, इट इज़ जस्ट अंडरस्टूड बाय द स्टडी ऑफ द स्टोइचोमेट्री। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोल और एवोगैड्रो नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास आता है मोल। मोल एक्चुअली है क्या? मोल इज अ लैटिन वर्ड, इट मीन्स हीप और पाइल, एंड इट्स अ यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज दिस। ये एक ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए, और एक सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अंदर 6.02 to 23 पार्टिकल्स मौजूद हैं, सो इट मीन्स इट कंटेन 1 मोल। अब ये जो वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये कहलाती है एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर इसलिए कहलाती है क्योंकि इट वॉज डिस्कवर्ड बाई इटालियन फिजिसिस्ट अमेडियो एवोगैड्रो, और इनके अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ये कहते हैं कि एक मोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं 6.02 to 23 पार्टिकल्स, और ये कहलाता है एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है अबाउट कार्बन एंड मैग्नीशियम। ये कह रहे हैं कि कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम है और इसका जो मैग्नीशियम का मास है वो 24 ग्राम है, लेकिन इन दोनों के जो मोल है वो सिंगल मोल है, सो इट मीन्स दैट देयर वैल्यू इज 12 and 24। नंबर ऑफ एटम इस दोनों के अंदर जो प्रेजेंट होंगे वो 6.02 to 23 होंगे। अगर इनके मोल की वैल्यू डबल हो जाएगी तो इनके नंबर ऑफ एटम्स भी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डबल हो जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी अबाउट मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड में इन्होंने बताया है कि वैन मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ गोन थ्रू द रिएक्शन, तो क्लोरीन के हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएंगे मोल्स, और मैग्नीशियम का सिंगल, तो इस मीन्स क्लोरीन के हमारे पास पार्टिकल्स भी डबल हो जाएंगे, डेट इज़ 12.02 to 23 पार्टिकल्स, और मैग्नीशियम के 6.02 to 23 ही रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टोइचोमेट्री का, विच इज़ मोलर मास। द मास एंड ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस के अंदर जो मास प्रेजेंट होता है ग्राम में, वो कहलाता है मोलर मास। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP, विच इज़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज़ रेफर्ड एज मोलर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ गैस के अंदर जो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, दैट STP, विच इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके अंदर जो वॉल्यूम प्रेजेंट होगा वो कहलाता है मोलर वॉल्यूम। और इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे पास आई है, दैट इज़ 24, 22.